इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सिम फ्रॉड से बचने के लिए बायोमेट्रिक की तस्दीक में एक से ज्यादा उंगलियों के निशानात लेने शुरू कर दिए। पीडीए के जराये के हवाले से न्यूज वेबसाइट प्रो पाकिस्तानी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सिम के इजरा में एक से ज्यादा उंगलियों के निशानात लेने का एक मकसद फ्रेंचाइजर की सतह पर सिम कार्ड की गैर कानूनी फरोख्त को भी रोकना है। रिपोर्ट के मुताबिक पीडीए की तरफ से गैर कानूनी सिम कार्ड की फरोख्त के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदाम के नतीजे में पाकिस्तान में मुसलसल दो माह से सेलुलर सार्फिन की तादाद में कमी वाकया हो रही है। माह सितंबर के आखिर तक सेलुलर सार्फिन की तादाद 19,41,40,000 थी। अगस्त 2022 के आखिर में यही तादाद 19,47,50,000 थी।